मुझे 1 2 3 करके तीन बिंदु बताइए जिन पर आप लोगों की नाराजगी है, आपत्ति है, कष्ट है। ये सरकार के लिए इतनी बड़ी परीक्षा कराना भी चुनौती है, और छात्रों के लिए भी, प्रतियोगी छात्रों के लिए परीक्षा देना, ये उनके लिए भी चुनौती है। तो जी हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे, आयोग भी ध्यान दे, इतना दूर परीक्षा देने जाना और लड़कियों का होम सेंटर न बनाना, और अगर लड़के भी इतना दूर जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनके साथ इनका एक आर्थिक शोषण भी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। तत्काल इस पर जो है कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सेंटरों की दूरी कम कर देनी चाहिए। जो सेंटर की दूरी 400, किसी का 300, किसी का 500 किलोमीटर दूरी कर दी गई है, ये समझिए कि छात्रों के साथ उनका मानसिक शोषण भी है, आर्थिक जी शोषण भी है, और कहीं ना कहीं अगर जब दूर, इतना दूर छात्र जाएगा पेपर देने, तो उसके लिए एक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। 2000 रुपए फूकिए पहले तो, आपको जो आपका बस का किराया या ट्रेन का किराया उसको दीजिए, फिर वहां जाके, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह पेपर, आपका 9 बजे है तो आप सुबह ही 7 बजे वहां पहुंच जाओगे। अगर मेरा पेपर गाजियाबाद में होगा और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक रात पहले पहुंच जाऊँ, और एक रात पहले पहुंचूंगा तो मेरे को किसी किसी होटल में या कहीं रुक के किसी आश्रम में रुके काम चलाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अलग पैसे देना पड़ेगा। मतलब बेरोजगारों से पहले तो आप फॉर्म भरने का, पेपर भरने का आप पैसा भरवाइए, उसके बाद फिर आप उससे बेरोजगार से, जिसके पास 100 रुपए की कमाई का साधन नहीं है, जिसके घर खेती किसानी से जैसे तैसे चल पा रहा है उसके माँ बाप की कमाई से, आप उससे किराए का पैसा वसूलिए, फिर उसके बाद होटल में रुकवाने का उसका पैसा। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप पिछले पीटी का उठा के देख लीजिए और अब तक उठा के देख लीजिए कितनी परीक्षाएं हैं पिछले एक साल में जब से पीटी हुआ है, और कितने उस पर पेपर लीक हुए हैं, जितनी तमाम परीक्षाएं, आप चाहे शिक्षक भर्ती के ले लीजिए या जो UP SSC अन्य भर्ती अगर आती है उसकी देख लीजिए, लेखपाल की एक भर्ती, एक मात्र जो बड़ी भर्ती अभी पिछले एक साल में लेखपाल की निकली थी, अगर हम दरोगा की बात कर ले, क्या एक जो सरकार का इसमें कारण दिया गया है कि भाई नकल नहीं होगी, क्या गारंटी है सरकार की इन लेखपाल की भर्ती और दरोगा भर्ती की तरह नकल नहीं होने वाली है?